हर किसी को ट्रैवल करना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन हर कोई पैकिंग के टाइम पर कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। ट्रैवलिंग हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, फिर चाहे तुम कार से, ट्रेन से या फिर प्लेन से ट्रैवल करो। सो हम आपके लिए आपके नेक्स्ट ट्रिप को और कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग टिप्स लेकर आए हैं, जो आपको जरूर मदद करेगी आपकी नेक्स्ट ट्रिप में। वेलकम टू ब्राइट हेड। नंबर 1, टेनिस बॉल। ट्रैवलिंग करते टाइम अपने साथ हमेशा एक या दो टेनिस बॉल जरूर रखें, क्योंकि एक लॉन्ग फ्लाइट के अंदर छोटी सी जगह में ज्यादा टाइम बैठने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और मसल्स क्रैम्प होते हैं। बहुत लोगों ने फ्लाइट में मसल्स क्रैम्प का एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। सो अगर आपके पास टेनिस बॉल हो तो उसे एज अ मसाजर यूज करना बहुत ही फायदेमंद होता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी ये प्रूफ किया गया है कि टेनिस बॉल से बेस्ट मसाज किया जा सकता है, जो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। टेनिस बॉल को एंकल, काफ, पैरों पर, कमर पर, रिस्ट पर और शोल्डर पर रखकर रोल करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही आराम महसूस होता है, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प की प्रॉब्लम भी बहुत कम हो जाती है। सो अगर आपको भी मसल क्रैम्प की प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टाइम फ्लाइट में टेनिस बॉल अपने साथ लेकर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 2, च्युइंगम्स। फ्लाइट में हमेशा साथ में च्युइंगम रखना जरूरी है, क्योंकि च्युइंगम चबाना फ्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पर जो कान बंद हो जाते हैं उससे बचाने में और कान खुले रखने में हमारी मदद करते हैं। जी नहीं, ये कोई मैजिकल च्युइंगम की वजह से नहीं होता है। ये पॉसिबल होता है च्युइंगम खाते टाइम जो सलाइवा हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से। सलाइवा प्रोड्यूस होना और उसे निगलने से कान के आसपास के मसल्स एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से कान पॉप होकर बंद नहीं होते हैं और हम एक कंफर्टेबल फ्लाइट आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो अगर साथ में कोई हार्ड कैंडी हो तो वो भी सेम काम करती है। सो नेक्स्ट टाइम फ्लाइट में जाने से पहले च्युइंगम या कोई हार्ड कैंडी अपने साथ बिल्कुल ले जाना ना भूले। वैसे एयरपोर्ट पर सबसे बोरिंग काम है सिक्योरिटी चेकिंग। उसके भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं, जिस पर हमने पूरा एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है जो आई बटन पर दिया हुआ है। वो जाकर देखकर अपनी नॉलेज बढ़ाए और वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले। आइए कंटिन्यू करते हैं। नंबर 3, पिलो कवर। फ्लाइट में जाते टाइम हमेशा साथ में पिलो कवर रखे, क्योंकि बहुत बार वेदर खराब होने की वजह से या फिर कोई और रीजन की वजह से फ्लाइट काफी ज्यादा लेट हो जाती है और हम एयरपोर्ट पर ही फंस जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर आपके पास पिलो कवर हो तो उसमें कुछ कपड़े डालकर आप एक इमरजेंसी पिलो बना सकते हो और कोई कंफर्टेबल जगह देखकर थोड़ा आराम कर सकते हो। उसके साथ अगर एक और टिप देनी हो तो ये है कि हमेशा कैरी ऑन बैग में एक जोड़ी कपड़े हमेशा साथ रखें, क्योंकि अगर आपका लगेज खो जाए तो टेम्पररी सर्वाइव करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टाइम फ्लाइट से पहले अपने साथ पिलो कवर और कैरी ऑन में एक जोड़ी कपड़े रखना बिल्कुल ना भूले। नंबर 4, बड़ी प्लास्टिक की बैग। अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो अपने साथ एक बड़ी प्लास्टिक की बैग रखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल करते टाइम हम हमेशा उस कंट्री के बारे में सब जान लेते हैं, लेकिन अपने अराइवल के टाइम उस कंट्री का वेदर चेक करना हमेशा भूल जाते हैं, जिसकी वजह से डेस्टिनेशन पर पहुंचकर एयरपोर्ट से बाहर आते ही बहुत बार बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से चांसेस है कि आपका लगेज भीग सकता है और लगेज के अंदर के कपड़े भी भीग कर खराब हो सकते हैं।
सो अगर आपके पास एक बड़ी प्लास्टिक के बैग हो तो ऐसी सिचुएशन में उस प्लास्टिक के बैग को लगेज पर पहनाकर अपना लगेज भीगने से बचा सकते हो और अपने कपड़े खराब होने से भी बचा सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम बड़ी प्लास्टिक के बैग लेकर जाना भी ना भूले। नंबर 5, फ्रेजाइल लेबल। फ्रेजाइल लेबल यानी कि हैंडल विथ केयर करने वाला लेबल, जो आपने हमेशा कोई टूट जाने वाली चीज ऑनलाइन मंगवाई होगी तब उस पैकेजिंग पर लगा हुआ जरूर देखा होगा। जी हाँ, यही सिंबल वाला लेबल। ये लेबल अपने लगेज पर लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि लेबल देखकर एयरपोर्ट स्टाफ आपके लगेज के साथ थोड़ा प्यार से पेश आते हैं, यानी कि वो आपके लगेज को ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पर जोर से फेंकेंगे नहीं और आपके लगेज को सारे लगेज में सबसे ऊपर रखेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा दूसरा ये भी है कि ऐसे लेबल वाले बैग हमेशा बेल्ट पर सबसे पहले आते हैं। सो जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो तो आपका बैग लगेज बेल्ट पर सबसे पहले दिखता है, जिसकी वजह से आपको अपने लगेज के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा और आप एयरपोर्ट से जल्दी बाहर आ सकते हो। अब एक लॉन्ग फ्लाइट के बाद किसी को वेट करना पसंद बिल्कुल नहीं होता है। सो नेक्स्ट टाइम फ्रेजाइल लेबल लगाना अपने बैग पर बिल्कुल ना भूले। नंबर 6, लेट नाइट या जल्दी सुबह की फ्लाइट ही ले। वैसे नॉर्मली हर कोई अपने दिन की शुरुआत 6 to 7 o'clock के बीच करता है और नॉर्मली सब दिन के वर्किंग टाइम पर ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लेकिन लेट नाइट जैसे कि 1 to 2 a.m. के फ्लाइट में नोटिस किया गया है कि बहुत ही कम रश होता है और टिकट्स भी थोड़ी चीप होती। सेम चीज़ बहुत ही जल्दी सुबह की फ्लाइट में भी देखने को मिलती है। अगर आप लेट नाइट की एक चीप फ्लाइट बुक करते हो तो कम रश होने की वजह से पूरी नाइट आप आराम से ट्रैवल करते हुए जा सकते हो, और अगर कोई सीट खाली हो तो आराम से सोकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग यानी कि अराउंड 4 to 5 a.m. की फ्लाइट बुक करते हो तो डेस्टिनेशन पर पहुँच कर भी आपके पास पूरे दिन का बहुत सारा टाइम बचता है, जिसे नई जगह देखने में और एक्सप्लोर करने में आप लगा सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम लेट नाइट की या तो फिर जल्दी सुबह की फ्लाइट बुक करें, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों ही बच सकता है। ये थी कुछ ट्रैवलिंग टिप्स। सारी टिप्स एक ही वीडियो के अंदर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या आप दूसरी वीडियो देखना पसंद करोगे? अगर यस, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है और आपने आज कुछ नया सीखा है तो प्लीज वीडियो लाइक करें।